अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है ब्लीचिंग पाउडर को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर का सबसे पहले हम फार्मूला देखेंगे कि एक्चुअल में ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है, फिर हम देखेंगे कि किन किन मेथड की मदद से ब्लीचिंग पाउडर को प्रिपेयर कर सकते हैं, और साथ में हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर एक्चुअल में फार्मूला क्या होता है उसका। तो हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसका फार्मूला होता है CaOClCl, ठीक है जी। तो ऐसे हम लिखते हैं, लेकिन इसको एक और फार्मूला जो है वो भी हम लिख सकते हैं। जैसे ये जो Cl2 है हमारे पास, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CaOCl2, लेकिन ये जो है फार्मूला ये करेक्ट स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट नहीं करता, इसलिए हम ज़्यादातर वही जो फार्मूला है CaOClCl जो है वो लिखते हैं। होता कैसे है, ये जो Ca पॉजिटिव 2 आयन होता है और साथ में OCl नेगेटिव और Cl नेगेटिव जो है जुड़े होते हैं, तो इसलिए इस तरह लिखते हैं कि OCl और Cl दो जो नेगेटिव आयन है वो Ca के साथ जुड़े हुए, कैल्शियम के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है जी। तो इस ये जो ब्लीचिंग पाउडर है इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो सबसे पहले मैंने एक रिएक्शन लिख दिया है। तो दोनों मेथड्स के अंदर ओवरऑल रिएक्शन वही होना है। तो होना क्या है कि स्लेग्ड लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन के साथ, क्लोरीन गैस के साथ, तो ब्लीचिंग पाउडर जो है बनता है और साथ में वाटर का एक मॉलिक्यूल जो है वो बनता है, ठीक है जी। दोबारा सुन लें कि स्लेग्ड लाइम यानी CaOH का ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब क्लोरीन गैस के साथ Cl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर हमारे पास बनता है और साथ में एक वाटर का मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है जी। और ये किस कलर का होता है और ये सारी चीज़ें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो अभी आगे चल के देखेंगे। पहले हम इनकी जो मेथड है जिसकी मदद से हम प्रिपेयर कर सकते हैं वो हम पढ़ लेते हैं। तो दो ही मेथड्स हैं हमारे पास, एक हेजेनक्लेवर मेथड है और साथ में कौन सा है, बैकमैन जो मेथड है, उसकी मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हेजेनक्लेवर मेथड से कैसे जो है हम ये तैयार कर सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर कुछ आयरन के सिलेंडर मौजूद होते हैं। अब यहाँ पर जस्ट मैंने 3 बनाए हैं, लेकिन 4 to 8 जो है वो सिलेंडर मौजूद हो सकते हैं। तो डायग्राम को छोटा रखने के लिए और आसानी से समझाने के लिए मैंने 3 जो है वो सिलेंडर बनाए हैं। आप 4 से लेकर 8 तक कोई से भी सिलेंडर जो है वो बना सकते हैं और सबकी स्ट्रक्चर ऐसे ही बनानी है, ठीक है जी। तो सिलेंडर बनाने हैं और साथ में बीच में हमने क्या लगाया है, ग्रीन कलर का एक स्टीरर दिखा रखे हैं हर सिलेंडर के अंदर। ये स्टीरर है, यहाँ पर भी स्टीरर है और यहाँ पर भी स्टीरर है। तो इसका काम भी अभी समझते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि हमने स्लेट लाइम और ये जो क्लोरीन गैस है जिनका आपस में रिएक्शन करवाना है, ये कहाँ कहाँ से हमने इनपुट करवानी है, कहाँ कहाँ से दाखिल करवानी है। तो स्लेट लाइम जो है डेफिनेटली ऊपर से हम होपर की मदद से क्या करेंगे, नीचे डालेंगे, ठीक है जी। और जो क्लोरीन गैस है उसको बॉटम वाला जो हमारे पास आयरन का सिलेंडर होगा उसके अंदर से हम क्या करेंगे, डालेंगे, ठीक है जी। और हाई प्रेशर जो है वो क्लोरीन गैस हमने डालनी है। ऊपर से हमने स्लेट लाइम डाला है और नीचे से क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन गैस जो है मैंने रेड से शो कर दिया है और स्लेट लाइम को मैंने ब्लू कलर से शो कर दिया है। तो यहाँ से जो है वो स्लेट लाइम होता हुआ आएगा और यहाँ से क्लोरीन गैस जो है वो ऊपर जाएगी और बीच में क्या होगा, आपस में रिएक्शन करके स्लेट लाइम और क्लोरीन गैस आपस में रिएक्शन करके क्या बना देगी, ब्लीचिंग पाउडर जो है वो बना देगी और जिसको हम अलग कर लेंगे। अब ये जो स्टीरर है इनका काम क्या होता है कि जो क्लोरीन गैस या जो स्लेट लाइम है जब आपस में रिएक्शन करके ब्लीचिंग पाउडर बनाती हैं तो इनको स्टीरर करता है ताकि रिएक्शन जो है वो अच्छी तरीके से हो सके और रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आसानी से रिएक्ट कर सके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बीच में स्टीरर को यूज़ करते हैं। क्लियर हो जाएगी बात। तो ये था हमारे पास हेजेनक्लेवर मेथड जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर जो है वो तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड है वो है हमारे पास बैकमैन मेथड्स के जरिए भी हम क्या कर सकते हैं, इसको तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने एक टावर यूज़ कर रखा है और इस टावर को हम क्या कहते हैं, क्लोरीनेटिंग टावर। ये जो पूरा हमने डब्बा जो बनाया है उसको हम कहते हैं क्लोरीनेटिंग टावर। अब इसके अंदर हमने किया क्या है, यहाँ पर हमने आयरन के सिलेंडर यूज़ किए थे लेकिन यहाँ पर हम यूज़ करते हैं रैक्स जो है वो आयरन की बनी हुई रैक्स जो है एक किस्म की प्लेटें कह सकते हैं, ठीक है जी। तो प्लेटें जैसी जो है वो रैक्स जो है हमने यूज़ करनी है। वो जो रैक्स है उस पर क्या करना है, हमने स्लेट लाइम को गिराना है, ठीक है जी। तो स्लेट लाइम जो है वो इस तरह गिर जाएगा यहाँ पर, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है वो स्लेट लाइम जो है हर रैक पर गिर जाएगा। अब होगा क्या, डेफिनेटली जो
नीचे से हमने क्या डालनी है, क्लोरीन गैस जो है वो जैसे पीछे वाला जो रिएक्शन हमने किया था उसकी तरह ही हमने क्या करना है कि नीचे से हमने क्लोरीन गैस और साथ में हॉट एयर जो है वो पास करवानी है, ठीक है जी। तो क्लोरीन गैस जो है वो जो स्लेट लाइम ऊपर से हमने डाला है जो कि रैक्स के ऊपर आ चुका है, अब क्लोरीन गैस जो है वो इनके साथ रिएक्ट करेगी और रिएक्ट करके क्या बना देगी, स्लेट लाइम जो है वो बना देगी, ठीक है जी। और बीच में हमने एक रोटेटिंग वाला जो है बना रखा है ताकि जो प्रोडक्ट बन रहा है जो रिएक्टेंट जो है उनके मॉलिक्यूल्स को स्टीयर कर सके ताकि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आसानी से रिएक्ट कर सके और प्रोडक्ट जो बन रहा है उसको आसानी से इकट्ठा कर सके। तो इसके लिए हमने बीच में एक रोटेटिंग जो है वो आयरन लगा दिया है और लास्ट में जो भी ब्लीचिंग पाउडर जो बनना है वो नीचे जो है हम क्या कर लेंगे, कैच बेसन के अंदर कह सकते हैं इसको, तो हम ये जो बीकर है इसके अंदर कलेक्ट कर लेंगे सिंपल, ठीक है जी। फिर उसके बाद अब ये वाला जो प्रोसेस है, मतलब दोनों प्रोसेस जो है वो सिंपल ही है, मतलब दोनों के अंदर हमने क्या करा, ऊपर से स्लेक्ट लाइम को डालना है, यहाँ पर भी स्लेक्ट लाइम को ही डाल रहे हैं और इसके साथ कंप्रेस्ड एयर डाल दी है। अब यहाँ से हमने क्या करना है, क्लोरीन गैस को हाई प्रेशर डाला है, यहाँ से भी हमने क्लोरीन गैस को और साथ में हॉट एयर को डाला है। अब दोनों तरफ से क्या होगा, स्लेक्ट लाइम और क्लोरीन और यहाँ से भी स्लेक्ट लाइम और क्लोरीन जो है वो आपस में रिएक्ट करके ब्लीचिंग पाउडर बना देंगे जो कि हम अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर भी ब्लीचिंग पाउडर बन रहा है और उसको हम अलग कर लेंगे। फिर उसके बाद है जी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है ब्लीचिंग पाउडर की कौन कौन सी हो सकती है। तो सबसे पहले है जी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम देख लेते हैं। तो इसके अंदर जो है पहली जो प्रॉपर्टी है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी वो कौन सी हो सकती है कि येलविश जो है वाइट जो है पाउडर कलर का होता है, ठीक है जी। ये जो ब्लीचिंग पाउडर जो हाँ तैयार होता है वो किस कलर का होता है, येलविश वाइट कलर का होता है और पाउडर फॉर्म के अंदर हमारे पास तैयार होता है। और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन होती है इसके अंदर जो ब्लीचिंग पाउडर है उसके अंदर, डेफिनेटली हाइपोक्लोराइट और क्लोराइड आयन मौजूद है तो जिसकी वजह से इसके अंदर स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन की होती है। तो दो ही इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, एक इसका कलर बताया है और दूसरा इसकी स्टेट बताई है कि पाउडर फॉर्म में होगा और तीसरा जो है उसका बताया है कि स्मेल इसकी कैसी होगी, तो क्लोरीन की स्मेल को ये देगा क्योंकि डेफिनेटली इसके अंदर हाइपोक्लोराइड और क्लोराइड आयन मौजूद है। फिर उसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हमने देखना है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा हमने देखना है रिएक्शन जो है H2SO4 के साथ रिएक्शन को देखना है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो कैसे काम करता है, तो डेफिनेटली हाइपोक्लोराइड आयन जो है वो बनाता है, कैसे, ये जो CaOCl और Cl जो है वो H2O के साथ जब रिएक्शन करता है तो Ca पॉजिटिव टू OCl नेगेटिव और Cl नेगेटिव जो है वो अलग अलग बन जाते हैं और ये जो आयन है OCl नेगेटिव इसको हाइपोक्लोराइड आयन कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइपोक्लोराइड आयन। तो ये जो OCl नेगेटिव है इसकी बनने की वजह से हम कहते हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहा है, कैसे। अब OCl नेगेटिव डेफिनेटली इसके नेगेटिव चार्ज आ गया और नेगेटिव चार्ज कब आता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की वजह से, तो इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है, डेफिनेटली किसी और चीज से गेन कर रहा होगा तो उसको वहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे तो उसको वो ऑक्सीडाइज कर रहा है, ये जो हाइपोक्लोराइट आयन है ये क्या कर रहा है, उसको जो है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो जब खुद रिड्यूस हो और उसको ऑक्सीडाइज करे तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर डेफिनेटली काम करेगा, ठीक है जी। तो Cl नेगेटिव, OCl नेगेटिव का मतलब क्या है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं तो दूसरे से रिमूव हुए होंगे तो जहां से उसने रिमूव किया है तो वो चीज जो है वो ऑक्सीडाइज हो गई है तो डेफिनेटली ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करेगा, ठीक है जी। तो ऑक्सीडाइज कैसे कैसे चीजों को कर सकता है, अब जैसे यहां पर HCl है और HBr है, ठीक है जी। तो डेफिनेटली यहां से जब हाइड्रोजन को रिमूव करेगा तो हाइड्रोजन को रिमूव करना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ये ऑक्सीडेशन करेगा इसकी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। तो Ca जो है वो क्या करेगा, यहाँ पर दो Cl जो है उसके साथ मिलकर और क्या बना देगा, CaCl2 बना देगा और साथ में जो है हमारे पास क्या होगा, ये जो Cl2 बनी है ये, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो C है दो Cl यहाँ से Cl के साथ मिलकर क्या बना देगा, CaCl2 और यहाँ पर 2H और साथ में ऑक्सीजन जो है मिलकर क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे, ठीक है जी। क्या होगा, ये जो Ca है इन दो Cl के साथ मिलकर क्या बना देगा, CaCl2 और दो हाइड्रोजन जो है वो एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना देंगे, वाटर और साथ में जो है वो Cl2 जो है वो दो Cl जो है वो क्या बना देंगे, Cl2 गैस बना देंगे, क्लियर हो जाएगी बात। फिर उसके बाद है जी ऑक्सीडाइज अमोनिया, अमोनिया को कैसे ऑक्सीडाइज कर सकता है, डेफिनेटली वहां से भी हाइड्रोजन को इसने क्या करना है, रिमूव करना है। तो कैसे कर सकता है, हमने 3 जो है मोल लेने हैं ब्लीचिंग पाउडर के और साथ में 2 मोल जो है वो अमोनिया के लिए हैं। तो यहां पर होगा क्या, ये जो 3 Ca है ये Cl2 के साथ मिलकर और क्या बना देगा, 3 CaCl2 बना देगा और साथ में 2 जो है वो नाइट्रोजन निकल जाएंगे और यहाँ पर 3 और 2, 3 × 6 हाइड्रोजन है हमारे पास और 3 ऑक्सीजन है तो डेफिनेटली क्या बन जाएगा, 3 वाटर के मॉलिक्यूल हमारे पास बन जाएंगे।
फिर उसके बाद ऑक्सीडाइज जो है वो करता है किस चीज़ को, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज कैसे करता है, अब डेफिनेटली ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है, यहाँ पर क्या बना रहा है, CaCO3, ठीक है जी। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को ऐड करना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है, ये आपने पढ़ रखा है। तो इन दोनों के अंदर से हाइड्रोजन को रिमूव किया है HCl या HBr के अंदर से या अमोनिया के अंदर से, और यहां पर जो CO2 के अंदर क्या कर रहा है कि ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है, तो डेफिनेटली क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है जी। तो रिएक्शन क्या होगा कि CaOCl और Cl है, साथ में CO2 है। अब ये होगा क्या कि ये CaO जो है CO2 के साथ मिलकर क्या बना देगा, CaCO3, और ये जो दो क्लोरीन है ये मिलकर क्या बना देंगे, Cl2 गैस बना देंगे। तो डेफिनेटली यहां पर भी ऑक्सीडेशन हुई है कार्बन डाइऑक्साइड की। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो हमने देखना है H2SO4 के साथ, कि H2SO4 के साथ रिएक्शन जो है वो कैसे कर सकते हैं। तो दो हमारे पास कंडीशन है, एक तो हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है और स्मॉल क्वांटिटी के अंदर लेना है, और दूसरा हमने एक्सेस क्वांटिटी के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, और वो आप वीक ले सकते हैं या स्ट्रॉन्ग ले सकते हैं, उसका कोई फर्क नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब लेना है स्मॉल क्वांटिटी के अंदर, तो आपने डाइल्यूट H2SO4 लेना है। तो स्मॉल क्वांटिटी कैसे है, अगर यहाँ पर दो रिएक्शंस देखें, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दो मोल जो है एक मोल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर एक मोल जो है वो एक मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो डेफिनेटली अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो H2SO4 यहाँ पर ज़्यादा है, क्योंकि 50-50 की रेशो है, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 66 और 33 की रेशो है। तो यहाँ पर H2SO4 कम है और यहाँ पर H2SO4 क्या है, ज़्यादा है। तो ये स्मॉल क्वांटिटी है, और ये वाली क्या है, अब आप कहेंगे कि H2SO4 यहां पर भी एक मोल है और यहां पर भी एक मोल है, तो सेम ही क्वांटिटी होनी चाहिए। लेकिन हमने कंपैरिजन के लिहाज से देखना है, यहां पर दो के साथ एक रिएक्ट कर रहा है, यहां पर एक के साथ एक रिएक्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली ये वाला क्या होगा, ज्यादा होगा, और ये वाला क्या होगा, कम होगा। तो होता क्या है, जब हम स्मॉल क्वांटिटी के अंदर लेते हैं तो एक CA जो है डेफिनेटली SO4 के साथ मिलकर क्या बना देगा, CaSO4, और दूसरा CA दो Cl के साथ मिलकर क्या बना देगा, CaCl2। यहां से दो ऑक्सीजन बचे हैं और यहां से साथ में क्या बचा है, एक दो Cl बचे हैं और साथ में दो हाइड्रोजन, ठीक है जी। तो हमारे पास बचे क्या 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 चीज़ें हैं, दो हाइड्रोजन, ठीक है जी, और साथ में दो ऑक्सीजन और दो Cl बचे हैं, और ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बना सकती है, दो HClO जो है वो बना सकती है। क्लियर हो जाएगी बात। तो ये जो है हमारे पास लास्ट में क्या बन जाएगा, दो HClO जो है वो हमारे पास बन जाएगा, और दो ये जो HClO है ये क्या होता है, हाइपोक्लोरिक एसिड जिसे हम कहते हैं, ठीक है जी। वो हमने पीछे जो है ये कुछ टॉपिक्स जो है वो देखने थे, तो उसके अंदर हमने देखा था कि ये जो हाइपोक्लोरिक एसिड जो है वो कैसे बनता है, परक्लोरिक एसिड और ये सारी चीज़ें, हाइपोक्लोरिक क्लोरस एसिड, ये सारी चीज़ें हमने देख रखी है। फिर उसके बाद है जी एक्सेस क्वांटिटी की अगर बात करें, तो एक्सेस क्वांटिटी में जब हम रिएक्शन करवाते हैं ब्लीचिंग पाउडर का, तो ब्लीचिंग पाउडर जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, तो डेफिनेटली क्या होगा कि CA जो है वो SO4 के साथ मिलकर क्या बना देगा, CaSO4, और यहां पर दो हाइड्रोजन जो है वो एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बना देंगे, और दो Cl जो है मिलकर वो क्या बना देंगे, Cl2 गैस जो है वो बना देंगे। अब यहां पर ये जो Cl2 गैस बन रही है इसको हम फ्री अवेलेबल क्लोरीन कहते हैं, और ब्लीचिंग पाउडर कितना कोई अच्छे तरीके से काम कर सकता है वो डिपेंड करता है कि कितनी क्लोरीन गैस जो है वो बना रहा है। तो अगर क्लोरीन गैस ज़्यादा बनती है तो ब्लीचिंग पाउडर का एक्शन ज़्यादा होगा, और अगर क्लोरीन गैस जो है वो कम बन रही है, फ्री क्लोरीन जो गैस है वो कम बन रही है, तो उसका जो ब्लीचिंग पाउडर का एक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर की कुछ हमने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखे हैं, जैसे कि हैजन क्लेवर मेथड देखा है, बैकमैन मेथड देखा है, और लास्ट में हमने देखे है कि कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और साथ में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी है, जैसे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर और H2SO4 के साथ जो रिएक्शन होते हैं वो हमने देखे हैं, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर का एक्शन और साथ में उसकी प्रॉपर्टीज़ और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।